सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, सोचिए कि अगर आप किसी परिवार में हैं और उस परिवार से कोई जो है वो मंत्री रहा हो, एक दिग्गज नेता के तौर पर जाना जाता हो, खुद सांसद रहा हो, पत्नी सांसद रही हो, पत्नी विधायक रही हो, बेटे विधायक रहे हों और उनके घर में 10,000 रुपये के लाले पड़ जाए तो ये कैसा महसूस होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार आजम खान के बारे में। 10,000 रुपये के लाले पड़ गए हैं, पूरा मामला क्या है चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जी हाँ, बात करें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के हर जाने के 10,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए कोर्ट से समय देने की गुहार लगाई है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान का डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले पर विचार चल रहा है। अदालत ने इस मामले में आजम खान के पक्ष पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। अब हर्जाने की रकम जमा करने के लिए आजम खान पक्ष ने समय की मांग किया है। अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से मांग लिया समय। जी हाँ, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस प्रकरण में गवाहों की गवाही हो चुकी है और बचाव पक्ष ने पीडब्ल्यूडी 8 ASI प्रवीण कुमार पुनः जिरह करने हेतु रिकॉल का प्रार्थना पत्र दिया गया था। हालांकि अब प्रार्थना पत्र अदालत ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए कहा है कि केवल समय विलंब करने की कोशिश है, इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बचाव पक्ष ने इसे लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया कि 10,000 रुपये का इंतजाम करने के लिए कुछ समय दिया जाए। अदालत ने इस पर 18 सितंबर की तिथि नियत की है। जब उनसे पूछा गया कि कितना समय मांगा था तो अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 2 सप्ताह का समय मांगा गया, लेकिन पत्रावली अंतिम चरण में है और गवाही पूरी हो चुकी है, इसलिए न्यायालय ने 18 तारीख की तिथि नियत की है। मालूम हो कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए और दोनों का ही उपयोग किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी के आजम खान कितने दिग्गज नेता हैं और उनको 10,000 रुपये के लिए समय लेना पड़ रहा है। तो ये दिन आ गए हैं, बाकी आप इस पर क्या कहेंगे बताइए। धन्यवाद।